अदालत में बदला विधानसभा, कटघरे में खड़े हुए पुलिसकर्मी, योगी राज में पुलिस को सजा। योगी के उत्तर प्रदेश में अब तक गुर्गों पर हो रही थी कार्रवाई, अब बीच विधानसभा में पुलिस को दे दी गई सजा। विधायकों के बीच कटघरे में खड़े होकर आईएएस ने मांगी माफी पर हो गई जेल। योगी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा अपराधियों को, अब पुलिस को ही हो गई सजा। यूपी विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, पूरा विधानसभा सदन अदालत में तब्दील हो गया, जहां के जज बने स्पीकर और अपराधी पुलिसकर्मी कटघरे में खड़े रहे। कुछ दिन पहले इसी विधानसभा से योगी ने गरज कर कहा था अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। विधानसभा में बोले थे योगी, बाहर अतीक अहमद और उसके गुर्गे के खिलाफ एक्शन में आ गई थी यूपी पुलिस। गुर्गे तो गुर्गे, अब अपराधी पुलिसकर्मी भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। पुलिस ने अपराध किया था तो उसके लिए विधानसभा को अदालत में तब्दील करके उन्हें सजा सुनाई गई। इस अदालत में पुलिस कर्मियों ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगा, मगर सजा नहीं टली। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 3 मार्च को अदालत में बदल गई थी। 34 साल बाद ऐसा देखने को मिला था जब विधानसभा अदालत बनी हो। सभी विधायकों की मौजूदगी में 6 पुलिस कर्मियों को कटघरे में खड़ा किया गया। दरअसल इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज था, जिस मामले में इन्हें दोषी पाया गया था। ये मामला 2004 का था। 2004 में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। उसी समय बिजली कटौती के मामले को लेकर सतीश महाना, जो कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो कानपुर में धरने पर बैठे थे। उस समय पार्टी के तमाम विधायक व नेता उनके समर्थन में आ गए थे। सभी बिजली कटौती का विरोध कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था। लाठी चार्ज में उस समय विधानसभा सदस्य रहे सलील बिश्नोई की टांग टूटी थी और वो महीनों बेड पर। इसके बाद उन्होंने 25 अक्टूबर 2004 को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना दी थी। पुरानी विशेषाधिकार समिति ने इन पुलिसकर्मियों को दोषी पाते हुए इनके खिलाफ कठोर दंड की सिफारिश की थी, जिस पर फैसला लेते हुए पुलिसकर्मियों को जेल की सजा सुनाई। सभी पुलिसकर्मियों को सदन के अंदर कटघरे में पेश किया गया था, जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें एक दिन जेल की सजा सुनाई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पुलिसकर्मियों को रात 12 बजे तक कारावास की सजा सुनाई। दोषी पुलिसकर्मी 3 मार्च के रात 12 बजे तक जेल में रहे। पुलिसकर्मियों को सदन की समिति ने 27 फरवरी को इन सभी को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उनके लिए विधानसभा में अदालत लगाई गई। यहां संसदीय कार्य मंत्री के एक दिन की सजा का प्रस्ताव रहा, जिसे मानते हुए सतीश महाना ने सभी को एक दिन के लिए कारावास का आदेश दिया। इस मामले पर सतीश महाना ने कहा, यह प्रकरण चिंतनीय है, अफसरों ने अपने अधिकारों से परे जाकर काम किया। ऐसे मौके पर विधायक की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश है। कार्यपालिका को अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बता दें, कुछ विशेष मामलों में विधानसभा में अदालत लगाने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग करते हुए इस मामले पर सुनवाई की गई।